नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी से आखिर भाग क्यों रहे हैं? आज शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी के 9वें समन पर पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश होने के बजाय दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका दाखिल कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। एएसजी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इसके साथ ही मुख्य याचिका के साथ इस मामले की भी सुनवाई की मांग की। वहीं इससे पहले ईडी ने जब कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल बार बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे, तो कोर्ट ने ईडी से यह सवाल पूछा कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि केजरीवाल को कई बार पहले भी समन भेजा गया है, वो लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट भी नहीं है, फिर भी केजरीवाल समन के बावजूद सवालों का सामना नहीं कर रहे। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ईडी ने कोर्ट में जवाब में कहा कि केजरीवाल को जांच में सहयोग करना चाहिए। ईडी ने यह भी जानकारी दी कि केजरीवाल वो एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो कि उन पर हुई ही नहीं है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू दिल्ली हाईकोर्ट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार सोनू, जरा ये जानकारी दीजिए, आज हाईकोर्ट में पूरी बहस क्या हुई, ईडी ने क्या क्या दलीलें रखी हैं,